बीज थोड़ा कस के बांध रही हूँ ताकि हल्का हल्का दर्द होता रहे और तुझे ये याद दिलाता रहे कि अजान से दूर रहना। तो इसका मैं क्या मतलब समझूं शायरा? कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। हमने ऐसा कब कहा? लेकिन इससे तो यही मतलब निकलता है ना शायरा, तुमने दादी अम्मी की बात मान ली, इसका मतलब तुम भी चाहती हो कि मैं अजान से दूर रहूं। ऐसा कुछ नहीं है नूर। तो फिर क्यों? क्योंकि हमें इसमें कोई बुराई नहीं दिखी। अजान, आपने ही कहा था ना कि अगर हम दादी अम्मी का दिल रखने के लिए वो गहने रख लेते तो क्या बिगड़ जाता? हमने वो गहने नहीं रखे, लेकिन दादी अम्मी का दिल रखने के लिए उनकी बात जरूर रख ली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आप पर भरोसा नहीं करते। लेकिन इसका ये मतलब जरूर है कि तुम्हारे लिए मेरी खुशियों से ज्यादा दादी अम्मी की खुशियां इंपॉर्टेंट है। नूर, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आपके और दादी अम्मी के बीच कोई कंपटीशन नहीं है, वो हमारी बड़ी है। एटलीस्ट उनके केस में ये बचपना करना छोड़ दीजिए। मैं ऐसी ही हूँ शायरा, मैं बच्ची ही हूँ, मैं पहले भी बचपना करती आई हूँ और आगे भी करती रहूंगी। फिर चाहे वो किसी को अच्छा लगे या बुरा। ये लड़की पागल है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसे समझाता हूं। ती बना के पानी में छोड़ने का बहुत शौक था। अम्मी जान, सबको होता है। सबको कश्ती तैराने का शौक होता है, मुझे कश्ती डुबोने का शौक था। मैं कश्ती को पानी में ऐसे छोड़ देती थी, उसके बाद उसमें पत्थर डालती जाती थी और तब तक पत्थर डालती रहती थी जब तक कि कश्ती डूब ना जाए। और हमको बस यही करना है, उनकी कश्ती में पत्थर डालते जाना है। ऐसे तो इनकी कश्ती डूब जाएगी और बेड़ा गर्क हो जाएगा। कश्ती का नाम जानती है? अब कश्ती का नाम भी है क्या? रजिया। अजान, अजान कहाँ है आप? जहां उसे नहीं होना चाहिए। दादी अम्मी, आप? तेरे लिए खीर बनाकर लाई हूं, तुझे बहुत पसंद है ना? शुक्रिया, लेकिन आपको इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? अरे इसमें तकलीफ कैसी, ये तो मेरा प्यार है। और फिर आज तूने ताबीज पहनकर जो मेरी बात, मेरे यकीन की इज्जत रखी है ना, उसके बाद मैं तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। मैं जानती हूं अजान और तूने बहुत सहा है, बल्कि अब तक सह रहे हो। मेरी तो अल्लाह से बस एक ही दुआ है कि तुम दोनों खुश रहो, साथ रहो। लेकिन एक बात बताऊं, हमारे जमाने में कहते थे कि मियां बीवी का रिश्ता बेशक टूट सकता है, लेकिन माँ बाप का रिश्ता कभी नहीं टूटता। मैं तो चाहती हूं कि तुम दोनों भी माँ बाप बनने के बारे में सोचो। और मेरी एक बात और मान, अजान को इस तरह से अकेला मत छुड़ा कर। देख देख ना,
ताबीज पहनने के बाद भी उस लड़की का ये हाल है। और अजान में ना समझ की थोड़ी कमी है। अब इस वक्त उसे यहाँ तेरे पास होना चाहिए था और वो वहां उस नौकरानी की औलाद के साथ मटरगश्ती कर रहा है। पर एक बात कहूं, गलती उसकी नहीं है, गलती तेरी है। दादी अम्मी। अरे मर्द तो घोड़ा होता है, उसकी नकेल बीवी के हाथ में होती है। अब ढील छोड़ेगी तो हाथ से निकल ही जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बता, इसमें इतना अपसेट होने वाली कौन सी बात है? तो क्या नाचने गाने वाली बात है? देख, तू ना अपनी दादी अम्मी की इतनी तरफदारी मत किया कर। वो गलत है तो मतलब वो गलत है। गलत नहीं, क्यूट है, बहुत क्यूट है। तू जानती है जो बड़े बुजुर्ग होते हैं इनकी अपनी थिंकिंग होती है, अपनी सोच होती है। जिस तरह हम उनकी तरह नहीं सोच सकते, वो हमारी तरह नहीं सोच सकते। दादी अम्मी अजान सिर्फ नूर को मनाने गए। अरे पर मनाने की जरूरत क्या है? अरे नूर उससे थोड़ी खफा है। आंखें खोल, नूर धीरे धीरे अजान को तुझसे दूर कर रहे है। और वैसे भी ये रूठना मनाना नोक झोंक नखरे ये सब मियां बीवी के बीच होते हैं, दोस्तों के बीच नहीं। दादी अम्मी आप नूर पे बेवजह शक कर रही हैं। अच्छा तो तू देख देख और फिर बता मुझे, मेरा नूर पर शक सही है या गलत? अरे दोस्ती वोस्ती तो अलग है, लेकिन अजान का इस तरह हर वक्त नूर के साथ रहना। और हमारी वजह से जो आपको एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ी है उसके लिए हम माफी चाहते हैं। जी शुक्रिया। अम्मी क्या मैं अंदर आ सकता? कोई जरूरी काम है अजान? जरूरी नहीं, बहुत जरूरी काम है। इनफैक्ट किसी को आपसे कुछ कहना है। लंच पे बाहर चलते हैं? पर हाँ, नो दादी अम्मी चाचा और चाची, नहीं तो फिर से कोई तमाशा करेंगे। नूर। क्या नूर, तू और तेरी बीवी ना दोनों दादी अम्मी की बॉडीगार्ड बने ही फिरते रहते हो। कुछ भी बोलो तो तलवार ले आते हो। खैर लंच पे? नहीं हमें कहीं नहीं जाना। शायरा इससे क्या हो गया? आई थिंक पिछले कुछ दिनों में घर में इतना कुछ हो चुका है, बेचारी उसी को लेकर परेशान होगी। सॉरी नूर, बेगम का मन नहीं है तो लंच का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। अजान हमें आपसे बात करनी है अकेले में। जी हाँ। अम्मी हॉलीडे अचानक? हाँ अजान, हमें लगता है शायरा को ब्रेक की जरूरत है। जब से वो इस घर में आई है कुछ ना कुछ होता ही आ रहा है यहाँ पर। मीनू का गुजरना, फिर शायरा का एक्सीडेंट, नूर का पागलपन। शायरा को चेंज मिलना चाहिए अजान, और आप दोनों को एक दूसरे के साथ जरा वक्त भी बिताने को मिल जाएगा। और इस बारे में इस घर में किसी और को पता ना चले तो अच्छा होगा। आप तो देख रहे हैं इस घर में रोज कुछ ना कुछ तमाशा होता आ रहा है, आप समझ रहे हैं ना अजान? जी अम्मी। बट दादी, जी मिस्टर मेहता,
छोटी इलायची, लौंग, पारी, गुलकंद, छुआरा सब डाल देना सुरैया। कहिए तो खुद भी डूब जाऊं इस पान के पत्ते में। कुछ नहीं अम्मी जान, ये लीजिए आपका पान तैयार है। पत्थर मिल गया।